आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की, जहां सुभाषपा ने आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर अपने संगठन की एक समीक्षा बैठक की और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ओम प्रकाश राजभर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि बाहरी लोगों की मदद से यूपी नहीं जीता जा सकता है, अखिलेश तीसरे मोर्चे का गठन करके भाजपा को जिताने का ही काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। अपने संगठन समीक्षा बैठक की है, क्या मंत्र जो है कार्यकर्ताओं को फूका है आम चुनाव के लिए? देखिए, आगामी स्थानीय निकाय का चुनाव पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बूथ स्तर सेक्टर कमेटी, ब्लॉक विधानसभा जिले की जो कमेटी है, कहाँ कहाँ कमजोर हम हैं उसको और नेताओं को लगाया गया है ताकि जल्दी हमारी कमेटी पूरा हो जाए और ये बैठक हर महीने होती है। ये बताइए कि इस तरफ आप अखिलेश यादव पे हमलावर हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हमला करते हैं, आप कह रहे हैं कि वो केसीआर से मिलते हैं, स्टालिन से मिलते हैं, टीएमसी सुप्रीमो से मिलते हैं, तो बीजेपी को जिताने की रणनीति बनाते हैं। आप बताओ ममता जी कै वोट दिलाएंगे यहाँ उनको, केसीआर कै वोट दिलाएंगे? अगर गठबंधन बनाना है यूपी में अगर, तो मायावती जी से जाके कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, बंगाल में स्टूल पर नहीं, नीतीश जी इनके यहाँ जाके कुर्सी पर बैठना पड़ेगा तब वोट मिलेगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भाजपा के अलावा जो तीसरे विकल्प की बात सपा कर रही है सबको साथ लेके, वो सफल हो पाएगा? वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सफल हो जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, इन्होंने साफ तरीके से कहा है कि निकाय चुनाव सुभाषपा अकेली लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो लगातार ऐसी रणनीतियां बना रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा में जीत दिलाए। विजुअलिस्ट विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो आपने देखा कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव बंगाल में जा करके यूपी का चुनाव नहीं जीत सकते और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुभाषपा अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव जीतेगी और लड़ेगी भी। फिलहाल हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।